मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ लंबी खींचतान के बाद आखिरकार बुधवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति रतन लाल हांगलू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये लगातार दूसरा मौका है जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस्तीफा दिया। स्मृति ईरानी के कार्यकाल में पद संभालने वाले हांगलू का कार्यकाल इस साल दिसंबर में पूरा हो रहा था। उन पर आर्थिक अनियमितता समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, हालांकि ये आरोप जांच में साबित नहीं हुए थे। कुलपति की जांच करने का एचआरडी मंत्रालय का अनुरोध राष्ट्रपति लौटा भी चुके थे। मालूम हो कि पिछले सप्ताह ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नियुक्तियों पर लगी रोक को हटाया था। दो दिन पहले 30 दिसंबर 2019 को अपने कार्यकाल का 4 साल पूरा करने वाले कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सर्वाधिक विवादित वाइस चांसलर के रूप में याद किए जाएंगे। प्रोफेसर हांगलू की एक महिला से कथित अंतरंग बातचीत का आरोप सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानी गई। उनके करीबियों की माने तो कुलपति का कहना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हट चुकी है। इसे वो खुद को दोषमुक्त मानते हुए कुलपति के रूप में कार्य करने में असमर्थता जताई है। प्रोफेसर हांगलू ने 30 दिसंबर 2015 को कार्यभार ग्रहण किया था। 4 साल के कार्यकाल में 3 जांच कमेटियां इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की कमेटी 10 और 11 दिसंबर को आई थी, जबकि पूर्व की दोनों कमेटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भेजी थी। ये भी इस्तीफे का एक कारण माना जा रहा है। एक महिला से कथित अंतरंग बातचीत के वायरल ऑडियो ने कुलपति प्रोफेसर ए के हांगलू की छवि को धक्का पहुंचाया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने ऑडियो मीडिया के सामने जारी कर सनसनी फैला दी थी। इस ऑडियो को लेकर विश्वविद्यालय काफी दिन अशांत रहा। बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुण टंडन को सौंप दी थी। जांच के दौरान कुलपति लंबी छुट्टी पर चले गए थे। जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद प्रोफेसर हांगलू लौटे थे। इस मामले को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति को हटाने की मांग को लेकर लंबा आंदोलन चलाया। छात्र नेताओं ने यूपी से दिल्ली तक शिकायतें की, लेकिन कुलपति बचते रहे। बस इसका बंद कर, बहुत लंबा।